नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सिंघम अगेन के बारे में आज का वीडियो है। सिंघम अगेन अभी से हाइप बनना शुरू हो गई है क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी फिल्म है, बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। अभी से मैं बोल दूं आपको, क्योंकि जब शैतान फिल्म इतना बड़ा कलेक्शन कर रही है जो कि मास एंटरटेनिंग मूवी नहीं है, मतलब एक अलग सब्जेक्ट पे सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी है, वो जब महाराष्ट्र पुणे में तहलका मचा रही है और पूरे देश में तहलका मचा रही है, ब्लॉकबस्टर होने वाली है, तो जब आप सोचिए सिंघम अगेन आएगी तो क्या हाल होगा मास महाराजा का। आप जानते हो उसमें तो फुल्ली मास एंटरटेनिंग मूवी है, रणवीर सिंह के साथ में अक्षय कुमार है और भी टाइगर श्रॉफ अर्जुन कपूर है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि ये फिल्म रामायण से प्रेरित है, रामायण नहीं है लेकिन रामायण से प्रेरित है। अजय देवगन भगवान श्री राम से प्रेरित किरदार निभाएंगे, करीना कपूर माता जानकी माता सीता से प्रेरित किरदार होगा उनका, अर्जुन दोस्तों रावण, अर्जुन कपूर रावण से प्रेरित किरदार निभाएंगे और उनका नाम का भी खुलासा हो गया है, डेंजर लंका। उनका नाम है डेंजर लंका, खतरनाक नाम है। उम्मीद करते हैं हालांकि कोई ज्यादा प्रभावित आज तक नहीं किया अपनी एक्टिंग से, और लोगों को काफी अचंभा भी हुआ था जब इनको साइन किया गया था एज ए विलेन, लेकिन रोहित शेट्टी है अच्छे, बुरे से बुरे कलाकार से भी अच्छा काम ले सकते हैं। और अर्जुन कपूर ने कहा भी है कि मेरे ऊपर पूरा विश्वास किया है रोहित शेट्टी ने, तो मैं दमदार परफॉर्मेंस दूंगा। देखते हैं, उनका पोस्टर तो काफी खतरनाक आया है, फर्स्ट लुक आया था वो, तो देखते हैं अर्जुन कपूर के लिए क्या ये फिल्म एक जबरदस्त वापसी करेगी, क्या ये अपनी एक्टिंग से सभी को प्रभावित करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा रणवीर सिंह हनुमान भगवान बजरंगबली के रोल से प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, और दया सेठी है वो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी से प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो दीपिका पादुकोण है वो सुर्पणखा से प्रेरित किरदार निभाती हुई नजर आएगी, जिसका लक्ष्मण जी ने नाक काटा था, और दोस्तों रावण की बहन थी। इसके अलावा दोस्तों जो टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार है वो दोस्तों एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि वानर सेना, जैसे हनुमान जी की वानर सेना की तरह, मतलब अजय देवगन भगवान श्री राम से प्रेरित किरदार में होंगे और इनकी सहायता करते हुए नजर यहाँ पे आने वाले हैं टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार। तो बड़ी फिल्म है, काफी बड़ी शूटिंग है इसकी और बहुत लगभग शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है इसकी, और फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में चली जाएगी अगले महीने में, और फिर 15 अगस्त को ये फिल्म रिलीज की जाएगी, बहुत बड़ी रिलीज होगी। और आपको बता दूं कि एक और बड़ी फिल्म पुष्पा 2 भी साथ में रिलीज हो रही है, तो उससे जबरदस्त क्लेश होगा, अल्लू अर्जुन की फिल्म है, तो देखते हैं दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।